हे क्यूटी पाइज, वेलकम बैक। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ना कि जिया चेक करना चाह रही थी कि लिंक का जो मेन पार्ट है वो काम करता भी है या नहीं। तब वो जा करके उसके थाई के पास को ज़्यादा ही ज़ोर से पिंच कर दे रही है। फिर भी लिंक चुपचाप से बैठा था। वो उसे पूछती है, तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं हो रहा? लिंक उसे बताता है कि 17 साल पहले मेरे बड़े भाई ने कार से मेरा एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद से ही मैं पैरालाइज हूँ। ये सुनकर के जिया को थोड़ा सा गिल्ट होने लगता है। वो उसे कहती है, तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा बदमाश है यार, उसने ऐसा क्यों किया था? लिंक उसे कहता है, हम दोनों ना बस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं ज़रूर निभाऊंगा, इसीलिए तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। जिया हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ? तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतने सेक्सी से लग रही हूँ, तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा? तुम बिल्कुल काम हो, तुम ठीक तो हो ना? तो ये सुनते ही लिंक उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, एक बार ट्राई करके देखना चाहोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुन करके जिया डर जाती है। वो अपना शॉर्ट पकड़ के बोलती है, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रही थी। लिंक उसे अपने व्हील चेयर से नीचे गिराता है और कहता है, मैंने कहा था ना ऐसे मामलों में मुझसे पंगा मत ही लेना, और दूसरी बात, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सुनते ही सिया उठ करके उस पर गुस्साने लगती है कि मजाक की भी हद होती है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उन्हें इस तरीके से लड़ते हुए देख करके वो शर्माने लगता है और ये क्यूट सा स्माइल देता है। कितना भोला लग रहा था यहाँ पर। वो कहता है कि अब काफ़ी लेट हो गया है, तो जिया यहाँ से घर नहीं जा सकती है, तो यहीं स्टे करने के लिए ग्रैंडफादर ने बोला है। जिया गुस्साने लगती है कि आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट फोर्स्ड है और तुम यहाँ अपने रूम में मुझे सुलाना चाहते हो। तो उसका मैनेजर कहता है कि जी नहीं जिया मैडम, आपके लिए अलग गेस्ट रूम तैयार किया गया है, आप चलिए वहाँ पर आराम करने के लिए। जाने से पहले लिंक जिया को वार्न करता है कि घर में कोई भी कुछ खाने पीने के लिए देगा तो मत खाना, लेकिन इस बात को जिया लाइटली ले लेती है और वहाँ से गेस्ट रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो सोच रही होती है कि आखिर लिंग ने ऐसा क्यों कहा होगा कि कुछ नहीं खाने के लिए अगर कोई देगा तो। अगर वो खाना नहीं खाएगी तो रहेगी कैसे? उसके मैनेजर के जाने के बाद वो बेड पर लेटी और सोचती है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम सीड्यूस नहीं हुए हो ना, जल्दी ही मेरी शाम को जादू तुम पर चलेगा ही। वो ये सब अभी सोच ही रही थी कि उसके रूम का डोर नॉक होता है। उसे लगता है कि लिंग होगा, बट वहाँ पर एक हेल्पर थी। वो उसे मिल्क पीने के लिए ऑफर करती है। जिया सोचती है कि ये क्या ही करेगी मेरे साथ, और वो मिल्क ले लेती है। वो सोचती है कि बाद में पिएगी, बट वहाँ पर वो हेल्पर इंसिस्ट करने लगती है कि गर्म दूध नींद के लिए अच्छी होती है। ये तो शक्ल से ही डरावनी लग रही है यार, जानबूझ करके इसका कैसे मेकअप किया गया है। यहाँ पर जी अभी ना कुछ सोचे समझे वो मिल्क पी लेती है, और एक्चुअल में ये सब कुछ तो उसका प्लान था। उसके मिल्क पीते ही वह खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मिल्क पीने के बाद जिया अपने रूम में आराम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे लिंक कॉल करता है। वो उसे पूछता है कि कहाँ है वो और क्या कर रही है। जिया कहती है कि वो कमरे में ही है। तो मुझे मिस कर रहे हो क्या जो बिना बात का कॉल कर रहे हो? तब तक लिंक व्हील चेयर से उसके रूम पर आ गया था। उसने पूछा कि तुमने किसी का दिया हुआ कुछ खाया पिया तो नहीं ना? जिया कहती है, अभी एक हेल्पर ने मुझे मिल्क दिया था। वो उस पर गुस्सा रहा होता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम ढक्कन हो क्या? मैंने तुम्हें कुछ खाने पीने से मना किया था ना, तुमने जो मिल्क पिया है उसमें ड्रग था, अब तुम्हें होने वाला है नशा। लेकिन जिया इस चीज़ को लाइटली ले रही थी, मजाक कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो हंसती है तभी वहाँ पर उसे आने लगता है चक्कर। सच में उस मिल्क में ड्रग मिला हुआ था और वह नीचे बेहोश होने लगती है। पूरे तरीके से बेहोश होने से पहले उसे बस इतना ही दिख रहा था कि लिंग उसके करीब आ रहा है अपना शर्ट ओपन करते हुए। वो उसे रोकने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे में थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि लिंग उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन लिंग उसे जैसे तैसे करके वॉशरूम में लेकर के जाता है और उसके बॉडी टेम्परेचर को कूल करने के लिए उस पर बहुत सारा पानी डाल रहा होता है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिया को होश आता है तो उसे पूछती है कि हुआ क्या। लिंग उस पर गुस्साते हुए कहता है कि तुम सच में ढक्कन हो, जब मैंने मना किया था कि कुछ भी नहीं खाने पीने तो तुमने ये पिया। अब इसमें सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए दवा मिला हुआ था, इसलिए तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। मैं तुम्हें कूल डाउन करने के लिए वाटर डाल रहा था। जिया उसे पूछती तो तुमने कपड़े क्यों खोले थे? लिंक कहता है, क्योंकि वो लास्ट साल बचा था, एक और शॉर्ट मैं तुम्हें बस दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे शॉर्ट भीगे, इसलिए मैंने शॉर्ट खोला था। वो उसे ड्रेस देता है, अपना शर्ट पहनता है और जिया को कहता है रेडी होकर के मेरे रूम में आने। इसके बाद वो अपने कमरे में चले जाता है। थोड़ी देर बाद
जिया तैयार होकर के वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर के उसके रूम में जाती है। लेंग उसे कहता है, मुझे तो अफसोस ही हो रहा है कि मैंने सच में किसी धक्कन लड़के से कॉन्ट्रैक्ट सारी कर लिया। सारी का ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम्हारे घर में कोई ऐसे मुझे हर्ट कर सकता है। लिंग उसे कहता है, हाँ हाँ, जब मेरा बड़ा भाई मुझे मारने का कोशिश कर सकता है, कार से मेरा एक्सीडेंट कर सकता है, तो तुम्हें पाने के लिए ये बकवास हरकत तो कर ही नहीं सकता ना। जी हाँ, ये सोच करके गुस्साने लगती है कि उसकी इतनी हिम्मत हुई, अब तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। लिंग उसे पूछता है, तो तुम क्या करने वाली हो उसके साथ? जिया कह रही है, मैं उसे ना उसकी गलती के लिए उसे पनिशमेंट देने वाली हूँ, क्या तुम मेरा हेल्प करना चाहोगे? लिंग उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो लोग प्लान करने लगते हैं कि करना क्या है। कुछ भी प्लान करने से पहले लिंग जिया को वार्न करता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जब वो मुझे मारने का कोशिश कर सकता है तो तुम्हारी बचकाने वाली हरकतों पे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिया कहती है, डोंट वरी, मैं इतनी भी भोली भाली नहीं होकर मैं उसे इतनी आसानी से बोली करने दूंगी। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लुओ को, जो कि अपनी हेल्पर से बात कर रहा होता है। उसी ने एक्चुअल में मिल्क में ये ड्रग मिला करके दिया था जिया को पीने के लिए। वो उसे पूछता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें तुम्हारे अवार्ड मिल जाएगा, अब चलो तुम मुझे ये बताओ कि जिया ने वो मिल्क पिया? वो बोल दिया हाँ। फिर वो उसे पूछता है कि उसे मिल्क पिए कितने देर हो गया? तो वो हेल्पर बताती है कि लगभग 2 घंटे तो हो गए। तब वो सोच रहा होता है कि अब उस ड्रग का असर बिल्कुल टॉप पर होगा, अब बिल्कुल सही समय है जाने का। वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है और जिया को दवा का इतना ज़्यादा असर हो गया है कि वो एकदम सेक्सी ड्रेस पहन करके उसके ऑफिस में आई है उसे सेड्यूस करने के लिए, और यहाँ पर उसके मुंह से लार टपकने लगता है। दोनों यहाँ पर रोमांस फरमा रहे होते हैं, वो प्यार से जिया के पैर को किस कर रहा होता है, बट ये तो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था, एक्चुअल में तो वो अपनी वेटर का या फिर हेल्पर का ही पैर किस कर रहा था। वो काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि खबरदार जो ये बात तुमने किसी को बताया। वो वहाँ से शर्मा करके चली जाती है। वो ये सोच रहा होता है कि सच में जिया कुछ ऐसा ही करने वाली है अगर वो उसके कमरे में जाएगा तो। वो यही सोचते हुए उसके कमरे में जाता है और देखता है कि लाइट ऑफ है और जिया सो रही है। वो सोचता है कि अच्छा मौका है। जैसे ही वो उसके बेड पर जाता है ना, तो देखता है कि केवल वहाँ पर ब्लैंकेट रखा हुआ है और जिया है ही नहीं। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जिया और लिंग दोनों रूम के कॉर्नर में हैं। उन लोगों का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने जो कटहल आता है ना, जैक फ्रूट, वो आपके शहर में उसे क्या कहते हैं, उसी को 2-3 बांध करके ऊपर सीलिंग से बांधा हुआ था। अब जिया का बदला लेने का असली मौका आ गया है। वो हंसते हुए वो रस्सी छोड़ देती है और वो जा करके गिरता है बेचारे लुओ के मेन पार्ट और बॉडी पे। इमेजिन किया जा सकता है उसका क्या हालत हुआ होगा। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए।